Hello everyone, this is me, Satya here, और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट. टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी आपके पर्सन से कोई भी बातचीत होगी, हाँ या ना. सो इस रीडिंग में हम और एक गाइडेंस भी ऐड करेंगे कि गिवन सर्कमस्टांसेस में आपको क्या करने की ज़रूरत है. अच्छा, अक्सर मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, उसमें कुछ लोगों ने लिखा होता है कि इतने टाइम से मैं सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ कि बात होगी बट होती नहीं है. मैं अपनी हर रीडिंग में एक चीज़ ज़रूर मेंशन करती हूँ, खाली रीडिंग नहीं होती है, उसमें गाइडेंस भी होती है कि अगर आप कुछ फॉलो करोगे गाइडेंस को तो आपकी कम्युनिकेशन हो सकेगी. और एक गाइडेंस होती ही इसीलिए है रीडिंग्स के अंदर ताकि आप उसको फॉलो करो और जो आप चाहते हो वो आपको मिल सके. आप अपने एंड से एफर्ट नहीं करते हो जो आपको करना होता है और आप नेगेटिव रहते हो, ऑब्सेस्ड रहते हो कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो रही एंड देन वो ऑब्वियसली आप लोगों के साथ मैच नहीं करेगी. अगर आप अपने अंदर चेंज लेकर आओगे, अपने ऑब्सेशन को कंट्रोल करोगे, बिलीफ लेकर आओगे, फियर को टाटा बाय बाय करोगे तो आपके लिए भी वो पॉसिबल हो सकेगा. इवन दो जनरल रीड्स हैं लेकिन ओरेकल गाइडेंस अगर आप फॉलो करते हो तो उसमें आपके लिए भलाई होगी, आपके लिए भी कम्युनिकेशन आएगी. लेकिन होता क्या है कि आप लोग अपने एंड से एफर्ट नहीं करते हो एंड देन आपको लगता है कि शायद टैरो रीडर्स आपको स्टूपिड बना रहे हैं या आपको फूल कर रहे हैं. एनर्जीज डोंट लाए. ये मैंने पहले भी एक दो कमेंट्स जब मैंने ऐसे पढ़े मैंने उनको भी रिप्लाई किया कि जो एनर्जीज हम पिक करते हैं दे आर देयर. आपके साथ मैच करती है या नहीं करती वो आपकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी उस टाइम पे क्या है. और इसीलिए साथ गाइडेंस दी जाती है ताकि आप उस गाइडेंस को फॉलो करके अपने आप को रिसीविंग एंड पे ला सको. लेकिन फिर भी जब आप नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा होती है अंदर और ऑब्सेशन इतना ज़्यादा होता है और शायद वेट करके आप इतना फेडअप हो चुके होते हो कि आपको वो इंस्टेंट चीज़ें चाहिए, जबकि इंस्टेंट चीज़ें उन्हीं के लिए होती हैं जिनका माइंड सेट बहुत पॉजिटिव होता है. सो अगर आप अगर आप बहुत ही नेगेटिव माइंड स्टेट में हो और आप चाह रहे हो कि कुछ अच्छा हो जाए तो आप तो कुछ भी कर लोगे आपके लिए अच्छा नहीं हो सकेगा, क्योंकि आपका मेंटल स्टेट ऑफ बीइंग एट पीस होना चाहिए. सो इसीलिए बाकी चीज़ें आपकी देखो 24/7 लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसे हम कहते हैं, जैसा आप सोचते हो वैसा हो जाता है, जैसा आप बोलते हो वैसा हो जाता है, ये 24/7 वर्क कर रहा है. लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स अगर आप देखो तो आपके माइंड में नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, स्पेशली अगर आप कुछ चाह रहे हो और वो नहीं हो रहा तो आपके डाउट्स और फियर्स स्ट्रॉन्गर होंगे एज कम्पेयर टू योर पॉजिटिविटी अराउंड इट. तो वो जब आप कॉन्स्टेंटली वर्क करोगे तो ही गेट रिड करोगे ना उस सिचुएशन से, क्योंकि अदरवाइज आपकी लाइफ में वो चेंजेस नहीं आएंगे जो आप डिज़ायर करते हो. क्योंकि आप अगर सपोज कोई एफर्मेशन भी यूज़ करना शुरू करते हो, एफर्मेशन आप एक दिन में एक दफ़ा यूज़ कर लोगे, दो दफ़ा यूज़ कर लोगे एंड देन बाकी जो पूरे दिन के जो घंटे हैं उसमें यू आर गोइंग टू बी थिंकिंग नेगेटिव, सो वो भी वर्क नहीं करेगी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एंड अंडरस्टैंड. अपने साथ टाइम स्पेंड करो, अपने साथ टाइम बिताओ एंड देन आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि कहाँ पे आप चीज़ें गलत कर रहे हो. मेडिटेशंस करो, अपने आप को काम करने की कोशिश करो, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं उससे अपने आप को निकाल कर अपने ऊपर वर्क करने की कोशिश करो. अपने आप से ऐसे बात करो जैसे आप किसी दोस्त से बात करते और फिर उसको अपनी स्टोरी सुनाते और फिर उसको आप क्या मशवरा देते उस तरह से अपने आप को डील करो. ट्रस्ट मी, आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कहाँ पे आप गलत कर रहे हो और आपको कहाँ पे चीज़ें सही करनी चाहिए हैं. सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स सी कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी आपके पर्सन से कोई भी बातचीत होगी, क्या कम्युनिकेशन होगी, हाँ या ना. और अगर होती है या नहीं होती है दोनों सर्कमस्टांसिस में आपको क्या करना चाहिए उसके लिए भी ओरेकल गाइडेंस ऐड करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड और या जस्ट बी माइंडफुल के जनरल रीड है, सबसे मैच कर सकती है और नहीं भी. सो जो बातें मैच करती हैं उनको पिक करो और जो गाइडेंस मिलती है उसको उसके ऊपर वर्क करने की कोशिश करो ताकि आपकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी आ सके. सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स सी. अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करना ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी. सारे सवाल जो आपके पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड होते हैं सारे कुछ डिटेल में मेंशन है, ईमेल आईडी जहाँ पे लिखा है उसी के साथ ही. सो पहले उसको एक दफ़ा चेक कर लो एंड उसके बाद ही रीच आउट करो. सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स सी कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी कम्युनिकेशन होगी आपके पर्सन से, हाँ या ना. नाइन ऑफ कप्स इज द फर्स्ट कार्ड, सो द आंसर इज अ बिग येस ऑलरेडी. डेफिनेटली मेजॉरिटी लोगों के लिए आपकी नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन से बात होगी, कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई कम्युनिकेशन ज़रूर होगी. अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन करना चाहूँगी कि अक्सर जब ऐसी क्लियर एनर्जी आती है तो हर किसी के लिए कहीं ना कहीं किसी तरह की कम्युनिकेशन होगी, चाहे वो
नॉन फिजिकल वर्ल्ड में हो, जैसे आप ख्वाब में कोई ऐसी बात देखो जैसे कि आपका पर्सन आपसे कुछ कह रहा है, चाहे वो रियल वर्ल्ड में आप देखो जैसे 3D वर्ल्ड में आप देखो, हो सकता है आपका पर्सन आपको मैसेज करे, रिप्लाई करे, अनब्लॉक करे, किसी तरह की कोई ना कोई छोटा शिफ्ट जो है वो सबके लिए ज़रूर होगा। सो कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन है वो डेफिनेटली होगी, किसी भी लेवल की कम्युनिकेशन जो है वो डेफिनेटली होगी। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसी कम्युनिकेशन भी हो सकती है जैसे आपका पर्सन का फ्लैश आपके सामने आए, जैसे कि आपका पर्सन यू नो आप सडनली आप कुछ कर रहे थे एंड देन आपको ऐसे फीलिंग आए जैसे आपका पर्सन आपसे कुछ कह रहा है, या उसका इमेज आपके जहन में आए ऐसे। सो वो भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए कि आपकी कम्युनिकेशन उस तरह की भी हो सकती है, लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स में कम्युनिकेशन मेजॉरिटी लोगों के लिए होगी। और जिन लोगों के लिए नहीं भी होती है, अगर आप किसी भी एंगल से किसी भी तरह से अगर आप अपने पर्सन का नाम सुनते हो बार बार, या फिर यू नो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको आपके पर्सन का की याद दिलाती है या रिमाइंड करवाती है पर्सन के बारे में या सिचुएशंस के बारे में, जस्ट नो दैट कि वो आपको बहुत जल्दी कम्युनिकेट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जिस तरह की एनर्जीज डेवलप हो रही हैं, सीम्स लाइक कि कम्युनिकेशन बहुत जल्दी आ जाएगी आपकी और आपके पर्सन के साथ, लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स में डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए कम्युनिकेशन आएगी अपने पर्सन के साथ। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। नाइट ऑफ कप्स, वाओ, द मैजिशियन। आप में से वो लोग जो अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कर रहे हैं, उनके लिए तो डेफिनेट कम्युनिकेशन है नेक्स्ट 48 आवर्स में। इवन दो इस कम्युनिकेशन को आते हुए बहुत टाइम लगा है, और हो सकता है कि अभी भी जो कम्युनिकेशन हो उसमें पर्सन बहुत ओपनली एक्सप्रेसिव नहीं होगा, बहुत ही गार्डेड वे में आपके पास आएगा ये कम्युनिकेट करेगा, लेकिन एटलीस्ट उससे आपको एक होप ज़रूर मिलेगी। सो जिस तरह की भी कम्युनिकेशन आ रही है नेक्स्ट 48 आवर्स में, उसमें डेफिनेटली आपके लिए पॉजिटिविटी है, उसमें डेफिनेटली आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ है जिससे आपका फेथ और आपके बिलीफ जो है अपनी लव लाइफ को लेकर, अपने पर्सन को लेकर, वो बढ़ेगा। सो डेफिनेटली कम्युनिकेशन होगी मेजॉरिटी लोगों के लिए, इवन दो इट्स अ जनरल रीड, लेकिन ये सारे कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि डेफिनेटली कम्युनिकेशन होगी। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। थ्री ऑफ वांड्स, द सन, Six of Swords. Underneath the deck, we do have Two of Wands. अच्छा, आप में से मेजॉरिटी लोग वो होंगे जिनकी कम्युनिकेशन होगी, जिन्होंने इंटेंशन सेट की है कि पर्सन का मैसेज आएगा और विश कर रहे हैं, डिज़ायर कर रहे हैं स्टिल। ऐसा नहीं है कि आप सोच कर भूल गए हो, आप विश कर रहे हो, डिज़ायर कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप शायद अपना फ़ोन भी चेक करते होगे एक दो दफ़ा कि पर्सन का मैसेज आया या नहीं आया, लेकिन आप उस सिचुएशन में रह के नेगेटिव नहीं फील कर रहे हो। सो हर वो पर्सन जो कि राइट नाउ नेगेटिव नहीं फील कर रहा है, अपने आप को बहुत पॉजिटिवली आगे लेकर चल रहा है, अपनी ज़िंदगी में मूव कर रहा है, उसके लिए कम्युनिकेशन डेफिनेटली आएगी। यू नो जहाँ पर आप ऑब्सेसिव होकर नेगेटिव नहीं सोच रहे हो, जहाँ पर आपको जब भी यू नो पर्सन की बात आप सोचते हो या पर्सन से कम्युनिकेशन की बात सोचते हो, आपके माइंड में अगर कुछ भी नेगेटिव नहीं आता है और आप होपफुल रहते हो, और यू नो कभी कभी शायद डिसअपॉइंट भी हो जाते हो, लेकिन यू स्नैप आउट ऑफ इट कम्प्लीटली क्विकली। सो अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन आपके साथ होगी आपके पर्सन की, और मुझे लगता है कि जो कम्युनिकेशन होगी उसमें आपका पर्सन जो है मुझे लगता है कि आपके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होगा उस कम्युनिकेशन के बाद, एज इन के जो कम्युनिकेशन होती दिख रही है मुझे, चाहे वो अभी लाइक आई सेड आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कम्युनिकेशन जो है वो थोड़ी इस तरह से है जैसे कि ख्वाब में आपको पर्सन आ गया, और इस तरह की चीज़ भी हो सकती है, हो सकता है कि पर्सन ने मैसेज कर दिया, डिलीट कर दिया, ऐसी चीज़ भी हो सकती है, लेकिन वट एवर इट इज़ गोइंग टू बी, उससे आपके पर्सन की इन्वॉल्वमेंट आपके साथ जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी फॉर सम रीज़न। मुझे लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में रेडी हो टू मूव फॉरवर्ड, और आपका पर्सन आपको अप्रोच करेगा, ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है। एंड व्हेन आई से कि यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड, ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर आप अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए आप सोच रहे हो कि लाइफ मस्ट गो ऑन, यू नो एक वो चीज़ नहीं कि आप अपने आप को रोक रहे हो फॉर एनी रीज़न, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए रेडी हो, आप विश करते हो, डिज़ायर करते हो कि पर्सन कॉन्टैक्ट करे, मैसेज करे, बात करे, बात होगी, लेकिन आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस पर्सन मेजॉरिटी लोगों के लिए जिनकी कम्युनिकेशन होगी उनके लिए आपका एटीट्यूड पर्सन को लेकर ऑब्सेसिव नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन होती है दैट वुड बी गुड, अगर नहीं होती है दैट वुड बी फाइन टू, लेकिन आप इस चीज़ में ज़्यादा घुसोगे नहीं, जैसे शायद पहले शायद आप होते होगे बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव या बहुत ज़्यादा कंसर्न कि मैसेज आया या नहीं आया। मुझे लगता है कि यू विल बी वेरी ईजी अराउंड द होल सिचुएशन। सो उन लोगों के लिए डेफिनेटली कम्युनिकेशन होगी, और मुझे लगता है कि आपके पर्सन की इन्वॉल्वमेंट आपको लेकर ज़्यादा होगी, जो कि शायद पहले कभी आपने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। अगेन इट्स अ रिजल्ट ऑफ योर सर्टन डिटैचमेंट जो कि मुझे दिख रही है, आप ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो इस इंसान में एज कम्पेयर टू जब आप पहले यू नो आप इस इंसान के साथ थे, शायद तब आपकी अटैचमेंट या इन्वॉल्वमेंट आपकी ज़्यादा थी। सो लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए गिवन सिचुएशन में।
योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान फॉर सम ऑफ यू. आप टॉरस हो या फिर टॉरस से डील कर रहे हो सकते हो. आपके जो भी ख्वाब है, जो भी डिज़ायर है इस इंसान को लेकर या अदरवाइज भी अपनी ज़िंदगी में, उसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने की ज़रूरत है आपको. अगेन, जिसमें से पहला स्टेप जो मैं कहूँगी वो ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी रोकनी नहीं है. आपने इस इंसान के ऊपर डिपेंड नहीं करना है फॉर एनी थिंग. यू नो, आपकी विश है, आपकी डिज़ायर है कि सब अच्छा हो जाए, बट दैट्स गुड इनफ. इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी आप इसके बगैर आप सैड रहते हो या आप नेगेटिव फील करते हो. अगर ऐसी सिचुएशन में हो तो जब तक आपका ये एटीट्यूड बिहेवियर चेंज नहीं होगा, ये प्रैक्टिकल स्टेप्स आप अपने अंदर चेंज लाने के लिए नहीं लोगे, तब तक आपकी लव लाइफ में ये चेंज नहीं आएगा. लेट्स सी मोर कार्ड्स. डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक. अगेन, सेम चीज मैं भी कह रही थी, अपनी जिंदगी को रोकना नहीं है किसी भी तरह से. यू नो, जस्ट कंटिन्यू मूविंग फॉरवर्ड. नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है. अगर आप इस सिचुएशन में रहकर सिर्फ रोते हो, पर्सन को मिस करते हो और अपने ऊपर फोकस नहीं कर रहे, अपनी बाकी एरियाज ऑफ योर लाइफ के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, देन यू आर स्टॉपिंग योर सेल्फ. आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ने से रोक रहे हो. और अगर आप ऐसा कर रहे हो और आप ऑब्सेसिवली सोच रहे हो पर्सन के बारे में, रोते हो, बुरा फील करते हो, तो देन आपको ये सब अपने अंदर बदलना पड़ेगा. जब तक आप ये बदल नहीं लोगे तब तक कम्युनिकेशन नहीं आएगी. लेट्स सी लास्ट कार्ड ऑफ द रीड. द आंसर्स यू नीड आर कमिंग. आप में से कुछ लोग जेमिनी या जेमिनी को डील कर रहे हो कि जो आंसर्स आपको चाहिए इस रिलेशनशिप से रिलेटेड वो आपको बहुत जल्द मिलेंगे. व्हाट डू यू नीड टू रिलीज. अगेन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं जो कि आपको अपने अंदर से रिलीज करनी है. पास्ट का कंट्रोल, पास्ट का पैटर्न, थॉट प्रोसेस, ख़ुद को लेकर बुरा फील करना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर आपको वर्क करने की ज़रूरत है. जब आप इनसे अपने आप को आज़ाद करवाओगे नेगेटिव थॉट से, फीलिंग से, आपकी लव लाइफ में ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे. सो ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करो. एंड या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय.